Hey guys, welcome back to our channel. तो आज की इस वीडियो में हम रीड करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 3, जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स. तो ये चैप्टर आज हम रीड करने वाले हैं. मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों की वीडियो डाल रखी है. अगर अभी तक नहीं देखी तो जल्दी जाकर देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है, तो आज ये वाला चैप्टर हम रीड करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम. तो सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, जो सिंथेटिक फाइबर है, जैसे हमने क्लास 6 में पढ़ा था एनिमल फाइबर के बारे में, क्लास 7 में हमने क्लास 6 में प्लांट फाइबर के बारे में, क्लास 7 में पढ़ा था एनिमल फाइबर के बारे में. तो अब क्लास 8 में हम पढ़ने वाले हैं सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में. ठीक है, तो जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो होते हैं मैन मेड फाइबर्स, जो कि ह्यूमन बनाते हैं. ओके, और प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक. प्लास्टिक हम काफ़ी सारे चीज़ों के बारे में अवेयर हैं जो कि प्लास्टिक से बनाई जाती हैं. देर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स विच आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक. ओके, तो प्लास्टिक का टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है. जस्ट 2 टाइप्स के प्लास्टिक हमें देखने को मिलेंगे और ईजी चैप्टर ये भी हमारा, लाइक द अदर 2. ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम रीडिंग. द क्लोथ्स विच वी वियर are made of fabrics. Fabrics are made from fibers obtained from natural or artificial sources. तो जो हम कपड़े पहनते हैं वो फैब्रिक से बने होते हैं. लाइक ये कपड़ा पहना हुआ है मैंने, ये फैब्रिक से बना हुआ है, इतना तो आप सबको पता है. फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर. फैब्रिक किससे बनते हैं? फाइबर से बनते हैं, जो कि हमें या तो नेचुरल सोर्स यानी प्लांट या एनिमल से मिलते हैं या फिर आर्टिफिशियल सोर्सेज से मिलते हैं. कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर? क्या हम किसी नेचुरल फाइबर को नेम कर सकते हैं? सो यस, जूट इज अ नेचुरल फाइबर, कॉटन इज अ नेचुरल फाइबर. प्लांट फाइबर की बात करें तो वूल, एनिमल फाइबर वूल एंड सिल्क. ओके, सो दीज ऑल आर नेचुरल फाइबर्स. फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स. यस, घर की काफ़ी सारी चीज़ें बनाने में फाइबर्स काम आते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स. एक लिस्ट बनाओ उन कॉमन आर्टिकल की जो कि फाइबर से बने हैं और उन्हें ट्राई करो सेपरेट करने का, उनमें जो कि नेचुरल फाइबर से बने हैं और उनमें जो आर्टिफिशियल फाइबर से बने हैं, टेबल 3.1 में. ओके, तो यहाँ पे हमें ये एक टेबल दी हुई है, इसमें हमें ये एक्टिविटी करनी है. तो करते हैं, सबसे पहले सीरियल नंबर डालते हैं हम 1, नेम ऑफ आर्टिकल. हम कोई भी आर्टिकल ले सकते हैं जो कि हम डेली यूज में काम आता है हमारे. फॉर एग्जाम्पल रोप, रस्सी. अब टाइप ऑफ फाइबर, नेचुरल और आर्टिफिशियल. रस्सी कैसी होती है? वो जनरली नायलॉन वगैरह की बनी होती है, विच इज अ आर्टिफिशियल फाइबर. तो लिख देते हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल. ओके, आगे हम और लिखते हैं. सेकेंड, वी कैन राइट जूट बैग, जो जूट का बैग हम यूज करते हैं. जूट बैग इज नेचुरल. और आगे हम लिख सकते हैं स्वेटर. स्वेटर हमें नेचुरली मिलती है क्योंकि ये हमें मिलते हैं वूल से, विच इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ फाइबर. और हम लिख सकते हैं बेडशीट्स. बेडशीट कैसी है? नेचुरल है क्योंकि वो कॉटन की बनी होती है जनरली. और हम लिख सकते हैं टूथ ब्रश. ये स्पेलिंग ठीक नहीं है. टूथ ब्रश विच इज आर्टिफिशियल.
क्योंकि जो टूथब्रश के ब्रिसल्स होते हैं ना, वो आर्टिफिशियल सोर्स, आर्टिफिशियल फाइबर से बने होते हैं, उसके ब्रिसल्स। ओके, ये टेबल हमने कंप्लीट कर ली है, आगे चलते हैं। व्हाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल? हमने कुछ फाइबर्स को आर्टिफिशियल क्यों मार्क किया? क्योंकि वो हमें नेचर से नहीं मिलते, दे आर आर्टिफिशियल फाइबर्स विच आर मेड बाय ह्यूमंस। यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एटसेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। यस, द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। जो सिंथेटिक फाइबर है वो हम ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर, और यही रीजन है इन्हें सिंथेटिक या फिर मैन मेड फाइबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर? सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? To recall the uniform pattern found in a necklace of beads joined with the help of a thread, or try to join a number of paper clips together to make a long chain. Is there any similarity between the two? तो जो beads होते हैं, ये necklace, देखो ये यहाँ पे आपको एक necklace दिख रहा है, this is a necklace. अब इसके अंदर ये जो सारे beads, ये इतने सारे n number of beads जो है यहाँ पे, ये सब मिलकर एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं विच इज नेकलेस। ठीक है, अब ये इतने सारे बीड्स मिलकर नेकलेस बना रहे हैं ना, तो अब ये जो पूरा नेकलेस हुआ फाइबर्स की, उसमें बताते हो आपको, ये पूरा नेकलेस हुआ पॉलीमर, और इसका ये जो एक बीड हुई ना, ये दिस इज मोनोमर। बाकी मोनोमर के बारे में बुक में नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में, बट मैं आपको बता दिया, पॉलीमर और मोनोमर। ओके, और ऐसे ही यहाँ पे हमने जो पेपर क्लिप्स को ज्वाइन किया तब भी तो ऐसा ही, ये सब जो है कलेक्टिवली एक स्ट्रक्चर में आ रही है, राइट? तो नेकलेस का एग्जाम्पल है और ये पेपर क्लिप्स, इसमें भी ऐसे ही है, दिस वन इज मोनोमर एंड दिस होल स्ट्रक्चर इज पॉलीमर। आगे हमें पॉलीमर के बारे में दिया हुआ है, रीड करते हैं। अ सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंड टुगेदर। जो एक सिंथेटिक फाइबर होता है वो भी चेन होता है छोटे छोटे यूनिट्स का, ये जो मोनोमर थे ना, ये स्मॉल स्मॉल यूनिट्स थी। ओके, वो भी एक चेन होती है स्मॉल यूनिट्स की, जो कि हमने साथ में ज्वाइन की हुई है। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। अब ईच, क्योंकि केमिकल से बनते हैं, तो ईच स्मॉल यूनिट, हर एक स्मॉल यूनिट एक केमिकल सब्सटेंस होता है। Many such small things combine to form a large scale unit called polymer. अब इन छोटी छोटी यूनिट्स को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो बनता है पूरा पॉलीमर, जो कि मैंने भी आपको बताया था। अब पॉलीमर के बारे में जानते हैं। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पॉली मीनिंग मैनी एंड मर मीनिंग पार्ट और यूनिट। तो जो पॉलीमर होता है, पॉलीमर, ये जो है दो वर्ड से बना होता है, पॉली प्लस मर, और इनका क्या मीनिंग होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी यानी बहुत सारे, और मर का मतलब होता है, मर का मतलब वो नहीं की जा तू जाके मर जा, वो नहीं, मर का मतलब होता है यूनिट्स या फिर पार्ट। ओके, तो इन दोनों को मिलके बना होता है पॉलीमर, यानी मैनी और यूनिट्स, मैनी यूनिट्स when we combine many units we get polymer. So polymer is made of many repeating units. Polymer काफी सारी repeating units से बनता है। Polymers occur in nature also. Polymers nature में भी होते हैं। Cotton, for example, cotton जो है वो एक polymer है named cellulose. Cellulose, okay. Cellulose is made up of large number of glucose units. Cellulose जो है polymer का नाम है cellulose. और ये जो है नंबर, इट इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट, ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनता है ये। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, अब हम टाइप्स पढ़ते हैं जो अलग अलग सिंथेटिक फाइबर्स की टाइप होती है। फर्स्ट इज रेयॉन, हमने क्लास 7 में पढ़ा है, ये सिल्क फाइबर है, ये सिल्क वर्म से मिलता है हमें, और इसे कब कहाँ डिस्कवर किया गया था, चाइना में डिस्कवर किया गया था, और चाइना ने इसे काफ़ी टाइम तक सीक्रेट रखा था कि कैसे हमें मिलता है सिल्क फाइबर, ये बताया नहीं था, सीक्रेट रखा था। जो फैब्रिक हमें सिल्क फाइबर से मिलता है वो बहुत महंगा होता है, ठीक है, जो सिल्क फाइबर जो कि
हमें सिल्क वर्म से मिलता है, ओके, दैट इज वेरी कॉस्टली, पर जो इसका ब्यूटीफुल टेक्सचर है वो सबको फैसिनेट कर देता है। काफी सारे अटेम्प्ट्स किए गए थे कि ताकि सिल्क को हम आर्टिफिशियली बना सकें, और 19th सेंचुरी के एंड तक साइंटिस्ट ने बना लिया था एक ऐसा ही फाइबर जिसकी सेम प्रॉपर्टीज थी सिल्क के जैसी, ठीक है। और ऐसा ये जो फाइबर था ये कैसे बनाया गया था, ये केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, यानी वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट से ये बनाया गया था। और ये जो फाइबर था इसे हम रेयॉन बोलते थे या फिर आर्टिफिशियल सिल्क बोलते थे, ठीक है, बिकॉज इट वॉज लाइक आर्टिफिशियल सिल्क, इसमें सिल्क की ही प्रॉपर्टीज थी, बट फर्क क्या था कि इसे आर्टिफिशियली बनाया गया था, ओके। ऑल दो हम आगे करते हैं, ऑल दो रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स वुड पल्प, बी एट इट इज मैन मेड फाइबर, इट इज चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वुवन लाइक सिल्क फाइबर्स, इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। तो जो रेयन होता है वो वुड पल्प से बनाया जाता है, पर फिर भी क्योंकि हम इसमें केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, वुड का केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, इसी वजह से ये जो है मैन मेड फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर होता है, ये जो है चीपर होता है सिल्क से। अब सिल्क से सस्ता क्यों होता है, क्योंकि देखो जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं ना वो जनरली महंगे होते हैं सिंथेटिक फाइबर से। क्यों होते हैं, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर, वो जो नेचुरल फाइबर होते हैं, चाहे हम उन्हें प्लांट से ऑब्टेन करें या फिर एनिमल से, उनमें जो प्रोसेस होते हैं ना, एक प्लांट से फाइबर लेने का या फिर एनिमल से फाइबर लेने का, वो बहुत ज्यादा लॉन्ग होता है और इसमें बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, इसी वजह से ये थोड़े महंगे होते हैं। फिर एज अब सिंथेटिक फाइबर को कैसे बनाएंगे, सिंथेटिक फाइबर्स को नॉर्मली हम बना सकते हैं केमिकल का यूज करके, इसीलिए सस्ते होते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। रेयॉन को मिक्स किया जाता है कॉटन के साथ बेडशीट बनाने के लिए या फिर वूल के साथ कारपेट बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ आर्टिकल है जो कि रेयॉन के बने हैं, आर्टिकल्स मेड ऑफ रेयॉन, ओके। आगे है हमारा टॉपिक नायलॉन। नायलॉन जो है ये एक और मैनमेड फाइबर है। 1931 में इसे बनाया गया था एक किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज किए बिना, यानी कि प्लांट या फिर एनिमल से जो हमें रॉ मटेरियल्स मिलते हैं उनका यूज किए बिना नायलॉन को बनाया गया था। कब, 1931 में। और इसे किससे बनाया गया था, कोल से, वाटर और हवा से, एयर। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, ये फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था। फर्स्ट क्यों, मतलब ये जो रेयॉन था ना, ये रेयॉन, ये पहली, वो ये रेयॉन बाद में बनाया गया था और इसे पहले बनाया गया था, ये 1931 में बना था और ये एंड 19th सेंचुरी के एंड में बना हुआ था, यहाँ पे हमने पढ़ा था, ठीक है। और रेयॉन में हमने वुड बल्ब का यूज किया, राइट, इसके अंदर हमने किसी भी प्लांट के सोर्स का यूज नहीं किया था, वुड पल्प वगैरह नथिंग, ओके। नायलॉन फाइबर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इलास्टिक था और हल्का था, लाइट था, स्ट्रॉन्ग था, इलास्टिक, इलास्टिक मतलब जैसे जो हमारे पास रबर बैंड होता है, हम उसे खींचते हैं उसके बाद वापस अपनी शेप ले लेते हैं, तो ऐसे नायलॉन को भी जब हम खींचते हैं ना तो ये वापस से अपनी शेप ले लेता है। इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश, ये जो है लस्ट्रस था। लस्ट्रस का क्या मतलब होता है, लस्ट्रस का मतलब होता है चमकीला, ये बहुत ज्यादा चमकीला था और ईजी टू वॉश था, आसानी से धुल जाता था। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर ऑफ मेकिंग क्लोथ, सो कपड़े बनाने में बहुत पॉपुलर हो गया। हम काफी सारे आर्टिकल यूज करते हैं नायलॉन के बने हुए, जैसे कि सॉक्स, रोप्स, रस्सियाँ, टेंट, टूथब्रश जो मैंने ऊपर लिखा था, रोप्स मैंने ऊपर बताया था, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स एटसेट्रा। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो कि नायलॉन से बनाई जाती है। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, सॉक्स, ये सॉक्स है, रोप है, टूथब्रश एंड कर्टेन्स, सो ऑल दीज आर मेड फ्रॉम नायलॉन। अब मुझे क्या कहते हैं, इज नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नायलॉन पैराशूट एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। तो हाँ, जो नायलॉन फाइबर होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इतना कि वो जो एक स्टील की वायर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि एक स्टील की वायर होती है। नाउ यू कैन गेस कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता होगा। एंड अगर लोग उससे रोप्स चढ़ सकते हैं, मतलब उसकी बनी हुई रोप से माउंटेन क्लाइंब कर सकते हैं, तो उसकी बनी हुई रोप्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, तभी तो लोग जो है उसकी हेल्प से
कर पा रहे हैं माउंटेन क्लाइंब और पैराशूट बन रहे हैं, इसका मतलब लाइट वेट भी होगा, राइट, स्ट्रांग भी है और लाइट वेट भी होगा फिर तो, ठीक है। और आगे रीड करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग के लिए पैराशूट्स और रोप्स बनाने के काम आता है। जो नायलॉन का थ्रेड होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इवन एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर, मैंने आपको बताया स्टील वायर से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। लेट अस फाइंड आउट, चलो फाइंड करते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हो, पैराशूट्स बनाने के काम आ रहा है और रॉक क्लाइंबिंग के भी काम आ रहा है। एक्टिविटी 3.1 देखते हैं। टेक एन आयरन स्टैंड विद अ क्लैंप, आयरन स्टैंड लेना है हमें क्लैंप के साथ। क्लैंप क्या होता है, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, दिस इज क्लैंप, जो कि काम आता है किसी भी सब्सटेंस को लाइटली होल्ड करने के लिए, जैसे यहाँ पे इसने ये होल्ड किया हुआ है। हमें एक कॉटन का थ्रेड लेना है ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ। 60 सेंटीमीटर लेंथ का हमें एक कॉटन का थ्रेड लेना है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि दिस इज कॉटन थ्रेड। टाई इट टू द क्लैंप सो दैट इट हैंग्स फ्रीली फ्रॉम इट एज शोन इन दिस फिगर। यहाँ पे हमें इसे यहाँ पे ऐसे कर देना है, टाई कर देना है, जिससे कि ये आसानी से सस्पेंड कर सके। और मैंने यहाँ पे जो है बहुत बुरी तरह खिचड़ी बना दी है, मैं इसे इरेज कर लेती हूँ पहले तो, ताकि आपको कुछ समझ आ सके। हर जगह मैंने ऐसा रेड रेड कर दिया है। अब आगे रीड करते हैं, ठीक है। तो हमें इसे यहाँ से ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर देना है, इसे आके नीचे तक, ओके। एट द फ्री एंड सस्पेंड, जो फ्री एंड था वहां पे हमें क्या सस्पेंड करना है, रीड करते हैं। एट द फ्री एंड सस्पेंड अ पैन सो दैट द वेट कैन बी प्लेस्ड इन इट। उस फ्री एंड पे हमें एक पैन प्लेस करना है, ताकि जो वेट है वो उसके ऊपर सस्पेंड कर सके, उसके ऊपर आ सके। एड वेट वन बाय वन टिल द थ्रेड ब्रेक। सो हमें ना उसके ऊपर वेट डालना है। हमने वेट डाला, नहीं गिरा, नहीं टूटा थ्रेड, हम भी मानेंगे नहीं, तोड़ के रहेंगे थ्रेड को, और वेट डालेंगे, अभी भी नहीं टूटा, और वेट डालेंगे, अभी भी नहीं टूटा, और तब तक डालते रहेंगे जब तक वो टूट नहीं जाता, ठीक है। और हमें टोटल वेट लिखना है जो कि रिक्वायर हुआ था थ्रेड को तोड़ने में। और ये जो वेट है ये बताता है स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर, कि उस फाइबर की कितनी स्ट्रेंथ है। कि हमें ये सेम एक्टिविटी रिपीट करनी है विद द थ्रेड ऑफ वूल, वूल की थ्रेड के साथ, पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर की थ्रेड के साथ, सिल्क, सिल्क थ्रेड के साथ और नायलॉन थ्रेड के साथ। हमें ये सेम एक्टिविटी रिपीट करनी है, ओके। और आगे दिया हुआ है टेब्यूलेट द डाटा एज शोन इन टेबल, अरेंज द थ्रेड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ। हमें इस टेबल में जो है अपना डाटा लिखना है, जो कि हमें इस एक्टिविटी से मिला है। यू मे यूज अ हुक ऑन अ नेल ऑन अ वॉल फॉर हैंगिंग द फाइबर्स इन अ पॉलिथीन बैग। ऑन द अदर हैंड इन प्लेस ऑफ वेट्स यू मे प्लेस मार्बल्स और मेबल्स ऑफ द सिमिलर साइज। इसमें आ गया है कि आप जो है आयरन स्टैंड और ये क्लैंप वगैरह यूज करने की जगह हम वॉल पे एक हुक लगा सकते हैं। हुक लगाने के बाद हम उसमें फाइबर्स को हैंग कर सकते हैं, फॉर हैंगिंग द फाइबर एंड और पॉलिथिन बैग हैंग करने के लिए और फाइबर हैंग करने के लिए, ओके। और फेड्स की जगह हम मार्बल्स या फिर पेपल्स का यूज कर सकते हैं। और प्रिकॉशन दी हुई है, नॉट ऑल द थ्रेड शुड बी ऑफ द सेम लेंथ एंड ऑलमोस्ट ऑफ द सेम थिकनेस। सभी जो थ्रेड है उन्हें सेम लेंथ और सेम थिकनेस का होना चाहिए। पॉलिस्टर और एक्रेलिक, ये जो है हमारे एक और हैं, ये हमारे सिंथेटिक फाइबर ही हैं। सिंथेटिक फाइबर, जैसे हमने रेयन और नायलॉन के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही दोनों भी सिंथेटिक फाइबर हैं, इनके बारे में भी पढ़ते हैं। पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, पॉलिएस्टर एक और सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल इजीली। इस फाइबर से बना हुआ जो फैब्रिक होता है वो इजीली रिंकल नहीं पड़ते उसके ऊपर। रिंकल मतलब जो रुए पड़ जाते हैं, हिंदी में बोलते हैं रुए, इसके ऊपर इजीली नहीं पड़ते हैं। इट रिमेन्स क्रिस्प, ये क्रिस्प रहता है। इट रिमेन क्रिस्प एंड इज इजी टू वॉश, और इजीली वॉश हो जाता है। ये जो है क्वाइट सुटेबल होता है ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए।
हमने देखा होगा आप काफी लोगों को पॉलिस्टर शर्ट और ड्रेसेस पहनते हुए, टेरेलिन। टेरेलिन एक बहुत पॉपुलर पॉलिस्टर, पॉलिस्टर का टाइप है टेरेलिन। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स, इट कैन बी वूवन लाइक अदर यार्न, और हम इससे काफी सारे मतलब हम इससे जो है काफी अच्छी क्वालिटी का फाइबर बना सकते हैं जिसे वूवन कर सकते हैं किसी और यार्न में, लाइक एनी अदर यार्न, और यार्न की तरह वूवन कर सकते हैं। अब पहेली कह रही है, ये रही पहेली, शी इज सेइंग कि इसकी जो मदर है ना वो बाय करती है पीईटी बॉटल्स और पीईटी जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर, राइस और शुगर स्टोर करने के लिए। I wonder what PET is. अब इसे सोचा कि PET क्या है, तो जो PET है ना ये पॉलिस्टर है और इसका यूज करते हैं हम काफी सारी लाइक कंटेनर वगैरह बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, वायर वगैरह। नीचे PET के बारे में दिया हुआ है, PET is a very familiar form of polyester. पॉलिस्टर की बहुत ज्यादा फेमिलियर फॉर्म है PET. ओके, और हम इसका यूज करते हैं क्या बनाने में, इट इज यूज इन मेकिंग यूटेंसिल, फिल्म, बॉटल, वायर और काफी सारे अदर यूजफुल प्रोडक्ट। ओके, सो पीईटी एट ऑल पॉलिस्टर का टाइप है। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर, पॉलिस्टर की बनी हुई चीजों की लिस्ट में आ गए। पॉलिस्टर के बारे में जानते हैं, पॉलिस्टर ये बना है दो वर्ड से, पॉली और एस्टर। इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड एस्टर, सो ये एक टाइप का पॉलीमर है और इसमें जो यूनिट्स रिपीट की जाती है, इसमें जो मोनोमर होते हैं ना वो होते हैं एस्टर। Easters are chemicals which give fruit their smell. जो fruits में smell आती है ना वो मिलती है उन्हें yeaster से। Okay, fabrics are sold by names like polyod, polywool, terricot, etc. As the name suggests, these are made by mixing two type of fiber, इन्हें दो type के fiber mix करने पे बनाया जाता है। जो पॉलीकॉट होता है उसे पॉलिएस्टर और कॉटन को मिक्स करके बनाया जाता है, पॉलीवूल को पॉलिएस्टर और वूल मिक्स करके बनाया जाता है पॉलीकॉट। ओके, वी वेयर स्वेटर, हम स्वेटर पहनते हैं और शॉल पहनते हैं, ब्लैंकेट्स पहनते हैं, यूज करते हैं ब्लैंकेट्स सर्दी के मौसम में, और इनमें से काफी जो है ये नेचुरल वूल से नहीं बने होते पर उन्हें देखने में लगता है कि वो रियल वूल है, नेचुरल वूल है। और इन्हें किससे बनाया जाता है, इन्हें एक सिंथेटिक फाइबर एक्रेलिक से बनाया जाता है, और जो वूल हमें मिलती है नेचुरल सोर्सेस से वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। वही रीजन है यहाँ पे भी क्यों एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि इसमें काफी सारे प्रोसेस होते हैं और सिंथेटिक फाइबर में इतने प्रोसेस नहीं होते, वो डायरेक्टली केमिकल से बनाते हैं। ओके, वेयर एज क्लोथ मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीप, एक्रेलिक से बने हुए कपड़े सस्ते होते हैं। दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स, काफी सारे कलर्स में होते हैं। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो काफी ज्यादा ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं जिन्हें लोग अफोर्ड कर सकें, और यही रीजन है कि वो इतने पॉपुलर होते हैं नेचुरल फाइबर से। ओके, यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर, एक्टिविटी 3.6 ऑफ क्लास 7। हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी क्लास 7 में जिसमें हमने नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर को बर्न किया था, आपको याद है क्या? मुझे भी नहीं याद है। आगे देखते हैं हमने क्या ऑब्जर्व किया था, मुझे याद नहीं कौन सी एक्टिविटी थी वो। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर, यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम, हाँ हाँ मुझे याद आ रही है, एक एक्टिविटी की थी हमने यहाँ पर 3 में, उसमें हमने क्या किया था ना कि हमने जो है फाइबर्स को बर्न किया था और चेक किया था कि वो सिंथेटिक है या फिर नहीं, सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर को बर्न किया था हमने और उनका बिहेवियर चेक किया था। हमने नोटिस किया था कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो इजीली मेल्ट जाते हैं हीट करने पे, और ये जो है उनकी एक डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर की। और अगर देखो अगर वो जो सिंथेटिक फाइबर के बने हुए कपड़े मान लो एक पर्सन पहन रहा है और अगर उसके पास थोड़ी बहुत आग लग जाती है या फिर किचन में पहन के गई है कोई लेडी या कोई भी किचन में सिंथेटिक फाइबर पहन के वर्क कर रहा है, तो अगर उसे थोड़ी बहुत आग लगती है, उसके कपड़ों पर आग लगती है, तो सिंथेटिक फाइबर बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है और वो हमारे ऐसे बॉडी से चिपक जाते हैं, विच कॉजेज आर मोर डैमेज, वेयर एज नेचुरल फाइबर इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ते, हमारी बॉडी से नहीं चिपकते। सो ये चिपकने वाली चीज जो है और जल्दी कैच करने वाली चीज, ये डिसएडवांटेज है नेचुरल सिंथेटिक फाइबर की।
अगर जो कपड़े हैं वो कैच कर लेंगे फायर, तो ये डिसेस्ट्रस हो सकते हैं। तो जो फैब्रिक है वो पिघल जाता है और हमारी बॉडी से स्टिक कर जाता है। जो पर्सन उसे पहनता है, हमें सिंथेटिक कपड़े किचन में नहीं पहनने चाहिए या फिर लेबोरेटरी में काम करते हुए नहीं पहनने चाहिए। पहेली कहती है, ओ नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई माय मदर नेवर वियर्स पॉलिएस्टर क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन। तो अभी से समझ आ गया कि उसकी मदर जो है कभी भी पॉलिएस्टर के कपड़े भी वो नहीं पहनती किचन में काम करते हुए। ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ऑरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। तो जो सिंथेटिक फाइबर है वो बहुत सारे प्रोसेसेस का यूज करके प्रोसेसेस से बनाए जाते हैं, बट दीज प्रोसेसेस आर लेस देन दोज ऑफ नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर में कंपेरेटिवली ज्यादा होते हैं प्रोसेस, पेट्रोलियम के ओरिजिन से बनाए जाते हैं, जिसका नाम है पेट्रोकेमिकल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सिंथेटिक फाइबर की? इमेजिन कि एक रेनी डे है, बारिश हो रही है एक दिन, हम किस टाइप का अम्ब्रेला लेंगे और क्यों? हम जो है किस टाइप का अम्ब्रेला लेंगे? तो हम लेंगे सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ अम्ब्रेला। क्यों? क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ अम्ब्रेला होगा वो जल्दी सूख जाएगा, वेयर एज अगर नेचुरल फाइबर से बना होगा तो वो इतनी इजीली नहीं सूखेगा, ठीक है। और इवन जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो अपने अंदर ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं, सिंथेटिक फाइबर इतना पानी एब्जॉर्ब नहीं करते, और यही रीजन है कि वो जल्दी ड्राई क्यों हो जाएगा सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ अम्ब्रेला। यही हम आगे रीड करेंगे। जो सिंथेटिक फाइबर है उनमें यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि ज्यादा पॉपुलर बना देती है उन्हें ड्रेस मटेरियल में, ड्रेस मटेरियल बनाने में, और ये जो है बहुत इजीली ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको सिंथेटिक फाइबर इतना पानी नहीं पकड़ते, इतना पानी नहीं जकड़ते। नेचुरल फाइबर ऐसे पानी को जकड़ लेते हैं, ठीक है, ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं। सिंथेटिक फाइबर ड्यूरेबल होते हैं, टिकाऊ होते हैं और सस्ते होते हैं, रेडिली अवेलेबल होते हैं, इजी टू मेंटेन होते हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योर सेल्फ। हमें फॉलोइंग एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और खुद के लिए सीखना है। एक्टिविटी 3.2, हमें दो कपड़े के पीस लेने हैं सेम साइज के। मैं ऊपर आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ क्या कहा गया है इस एक्टिविटी में। हमें दो कपड़े के पीस लेने हैं सेम साइज के, रफली हाफ अ मीटर स्क्वायर ईच। रफली हाफ मीटर स्क्वायर के होने चाहिए दोनों। वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर, दूसरा होना चाहिए सिंथेटिक फाइबर। और हमें जो है इन पीसेस को सोक करना है अलग अलग मग में जो सेम अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन करे। मग में आते सबसे पहले, यहाँ पे बड़ा गंदा बन रहा है, कोई नहीं भाई, काम से लाल जैसे भी बने हैं ये। एक में हमें डालना है नेचुरल फाइबर, सेम साइज के होने चाहिए नेचुरल और सिंथेटिक दोनों, और एक में हमें डालना है सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। साइज थोड़ा ऊपर नीचे हो गया बट काम चला लो, ठीक है। और फिर इनमें जाएगा वाटर, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर हमें इनके अंदर डाल देना है। और फिर हमें उन पीसेस को कंटेनर से बाहर निकाल देना है 5 मिनट के बाद, और उन्हें जो है सर के नीचे स्प्रेड कर देना है। तो इन दोनों कंटेनर्स को हम जो है बाहर निकाल लेंगे और सन के नीचे सुखा देंगे। बहुत गंदा सन बना है, ओके, ये सन है, ठीक है। इसके नीचे हमें इन दोनों को सुखा देना है। ये सुखा दिया और इस वाले को भी सुखा दिया, ठीक है। ऐसे करके हम इन दोनों को सन के नीचे सुखा देंगे। और हमें आगे लिखा हुआ है, कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द कंटेनर, जो वॉल्यूम होगी वाटर की, कि हमें ऑब्जर्व करना है कितना पानी तो सिंथेटिक फाइबर वाले में बचा है, कितना बचा है दूसरे नेचुरल फाइबर वाले में। तो हम क्या देखेंगे कि नेचुरल फाइबर वाले में काफी कम हो गया है, सिंथेटिक फाइबर वाले में इतना कम नहीं हुआ है, उसमें थोड़ा सा कम हुआ है एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर। और सूखने के उसमें हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो है जल्दी ड्राई हो जाता है और ये जल्दी ड्राई नहीं होता है, ठीक है। कौन जल्दी ड्राई होता है? सिंथेटिक फाइबर, नॉट नेचुरल फाइबर, ओके। डू द सिंथेटिक फाइबर सोक लेस और मोर वाटर इन द नेचुरल फाइबर? डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई? सो उन्होंने कम पानी एब्सॉर्ब किया और
कम टाइम में या सूखने में। और ये एक्टिविटी हमें क्या बताती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर के बारे में, कि वो जो जल्दी सूख जाते हैं और कम टाइम और कम पानी एब्जॉर्ब करते हैं, इसी वजह से जल्दी सूख जाते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट ड्यूरेबिलिटी कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज फाइबर्स कम्पेयर टू द नेचुरल फाइबर्स। अब हम आगे रीड करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लास्टिक के बारे में। ओके, प्लास्टिक्स पढ़ते हैं हम। You must be familiar with many plastic articles used every day. Make a list of such items and their uses. हमें पता है काफी सारे articles हम use करते हैं जो कि plastic से बने हुए होते हैं। Okay, अब हमें यहाँ पे आगे दिया हुआ है ये दो type के हमें plastic के type दिए हुए हैं, linear और crosslink arrangement। ये कैसे वो जो है arrange होते हैं, हमें एनसीईआरटी में दो ही दिए हुए हैं, बट देयर इज थर्ड वन टू। जैसे यहाँ पे जो है ए हमें दिया हुआ है लीनियर, बी हमें दिया हुआ है क्रॉस लिंक्ड, एक और टाइप होती है नेम ब्रांच्ड। पहले हम इन्हें समझ लेते हैं, उसके बाद ब्रांच्ड पे आएंगे। लीनियर, लीनियर में क्या है, एक लाइन है उसके ऊपर है ये सब्सटेंस एंड ये जो है एक ही लाइन में है, ठीक है। वेयर एज देखो यहाँ पे ये दो लाइंस हैं और ये भी आपस में कनेक्टेड है, तो ये जो है आपस में ऐसे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब ब्रांच पे आते हैं, ब्रांच में क्या होता है, ऐसे होते हैं ये एक लाइन और फिर इसी से कनेक्टेड होती है, लाइक ऐसे ब्रांच के टाइप में होती है और इससे काफी सारे ऐसे कनेक्टेड होते हैं। जैसे ब्रांच होती है ना उसी टाइप से ये भी होते हैं। ओके, सो दीज वर थ्री टाइप्स, बट हम मेनली यहाँ पे दो टाइप की पढ़ने वाले हैं, मेनली क्या पढ़ेंगे एनसीईआरटी में दो टाइप की, तो मैंने आपको खुद से बताया है, तो इसे फटाफट से इरेज कर देते हैं। तो आप ऊपर ने ठीक से देख लो कि कैसे होते हैं, आगे चलते हैं। रीड करते हैं प्लास्टिक के बारे में थोड़ा डिटेल में। प्लास्टिक एक और टाइप का पॉलीमर होता है, लाइक द सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर की तरह प्लास्टिक भी पॉलीमर होता है, और जो सभी प्लास्टिक होते हैं उनमें सेम टाइप के अरेंजमेंट नहीं होती है यूनिट्स की। तो ये जो हमने नीचे देखी ये These were units, ठीक है, ये यहाँ पे भी यूनिट्स थी कि these all, these, ठीक है, ये सब यूनिट्स थी। और अब आपने एक चीज नोटिस की कि इन सब में जो है सेम टाइप की अरेंजमेंट सही होती है, लीनियर होती है, किसी में ब्रांच होती है, किसी में क्रॉस लिंक्ड होती है। In some it is linear, whereas others is crosslink. कुछ हमें linear, कुछ हमें crosslink होती है। Plastic articles are available in all possible shapes and sizes, as you can see in figure 3.7. Have you? जो plastic होते हैं वो सभी possible shapes और size में होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैसे possible होते हैं? क्यों होता है? क्योंकि देखो दो टाइप के प्लास्टिक होते हैं, आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे, आई थिंक नेक्स्ट टॉपिक उसी के बारे में है। जो दो टाइप के प्लास्टिक होते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या फिर थर्मोसेट्स। तो जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं ना उन्हें हम इजीली डीमोल्ड कर सकते हैं, उन्हें हम मेल्ट करके और किसी भी शेप में दे सकते हैं। बट जो थर्मोसेट्स होते हैं ना उन्हें हम किसी भी शेप में नहीं कन्वर्ट कर सकते। They used to remain only in one shape. उन्हें हम सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। They can only once be demolded. कि प्लास्टिक था, हमने उसे एक बार मेल्ट किया और किसी भी शेप में उन्हें हमने चेंज कर लिया, उसके बाद हम उन्हें मेल्ट नहीं कर सकते, उनकी ऐसी करेक्टरिस्टिक होती है। The fact is that plastic is easily demoldable. हम उसे किसी भी शेप में कर सकते हैं फॉर्म। प्लास्टिक can be recycled, reused, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इंटू शीट्स और मेड इंटू वायर्स। प्लास्टिक को हम रिसाइकल कर सकते हैं,
रीयूज कर सकते हैं, वापस यूज कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, शीट्स में रोल कर सकते हैं, वायर बना सकते हैं, और यही रीजन है कि हम इसे काफी सारे यूजेस में लेते हैं। ओके, मूविंग अहेड, यहाँ पे चेयर है, बकेट, ग्लास, टॉय, ये सब प्लास्टिक के बने हुए हैं। पॉलिथिन के बारे में थोड़ा रीड करते हैं। पॉलिथिन, पॉली प्लस इथीन, ये एक एग्जाम्पल है प्लास्टिक का, जो कि हम पॉलिथिन बैग्स यूज करते हैं। ये मेनली पॉलिथिन बैग बनाने के काम आती है। अब हम एक ट्राई करना है, हमें प्लास्टिक का पीस बेंड करने का बाय आरसेल्फ। हम क्या देखेंगे, कुछ प्लास्टिक तो इजीली बेंड हो रहे हैं, पर कुछ प्लास्टिक इजीली बेंड नहीं हो पा रहे हैं, और अगर हम उनपे ज्यादा फोर्स लगाते तो वो टूट जाते हैं। कैन द प्लास्टिक आर्टिकल्स भी बेंड इजीली, हम ऑब्जर्व करेंगे कुछ प्लास्टिक आर्टिकल इजीली बेंड हो पा रहे हैं, अदरवाइज अगर ज्यादा फोर्स लगा दे तो कुछ ब्रेक हो रहे हैं। When we add hot water to a plastic bottle, हम जब प्लास्टिक बॉटल में गर्म पानी डालते हैं तो वो जो है डिफॉर्म हो जाती है। सच प्लास्टिक, जो प्लास्टिक इजिली डिफॉर्म हो जाता है हीटिंग पे और इजिली बेंड हो सकता है, उन्हें हम बोलते हैं थर्मो प्लास्टिक। ओके, पॉलिथिन और पीवीसी एग्जाम्पल है थर्मो प्लास्टिक के, और इन्हें हम टॉयज बनाने काम आता है, कॉम्स और काफी सारे टाइप्स के कंटेनर बनाने में काम आते हैं। दूसरी तरफ कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो व्हेन मोल्डेड वंस, उन्हें हम एक बार मोल्ड कर सकते हैं, जिन्हें एक बार मोल्ड कर दिया वो इजीली दैट कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, उन्हें हीट करके हम सॉफ्ट नहीं कर सकते। देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स इन देम, दे आर कॉल्ड थर्मोसेटिक प्लास्टिक, उन्हें थर्मोसेटिक प्लास्टिक या थर्मोसेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल है बेकेलाइट और मिलेवाइन। बेकेलाइट पोअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है और इलेक्ट्रिसिटी का। बेकेलाइट हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि इसे हम हैंडल्स बनाते हैं काफी सारे यूटेंसिल्स के, इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाने का काम आता है। मिलेमाइन एक वर्सेटाइल मटेरियल है, इट रेजिस्ट फायर, ये जो है फायर को रेजिस्ट करता है और टॉलरेट कर लेता है हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। अब जो बेकेलाइट है उसे हम क्यों यूज करते हैं हैंडल्स बनाने में, फॉर एग्जाम्पल जो हैंडल है हमारे पैन का, उस वो हमने बेकेलाइट का नहीं बनाया, किसी मेटल का बना दिया, तो जब हम उसे हीट करके उठाकर हम जब रखेंगे पैन में, जब हम उठाएंगे तब तो हमारा हाथ जल जाएगा, है ना, इसीलिए बेकेलाइट का बनाते हैं। बेकेलाइट हीट का पुअर कंडक्टर होता है, कंडक्ट नहीं करता हीट को, और यही रीजन है कि वो गर्म नहीं होता जब हम उसे टच करेंगे। वुड भी पुअर कंडक्टर होता है हीट का, इवन जो मिलेमाइन होता है, मिलेमाइन भी यूज हो सकता है हैंडल बनाने में, कहीं लिखा नहीं हुआ है बट आई एम टेलिंग यू बिकॉज इट रेजिस्ट फायर, ये भी पुअर कंडक्टर होता है हीट का। ओके, ये जो है फ्लोर की टाइल बनाने में काम आता है, किचन वेयर एंड फैब्रिक विच रेजिस्ट फायर, और वो फैब्रिक बनाने काम आता है जो कि फायर को रेजिस्ट करते हैं, और यहाँ पे काफी सारे थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक प्लास्टिक दिए हुए हैं। हियर यू कैन सी आर्टिकल मेड ऑफ थर्मोसेटिक प्लास्टिक दिए हुए हैं, आर्टिकल मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक दिए हुए हैं, सम आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक। ओके, आगे चलते हैं। प्लास्टिक्स एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस, आज हम सोचते हैं स्टोर फूड करने का, व्हेन वी वांट टू स्टोर फूड आइटम्स, हम पानी स्टोर करना चाहते हैं, मिल्क, पिकल, ड्राई फूड एटसेट्रा, प्लास्टिक कंटेनर बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं इन चीजों को स्टोर करने के। क्यों? क्योंकि वो काफी ज्यादा लाइट वेट होते हैं, हल्के होते हैं, उन वो सस्ते होते हैं, उनकी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होती है और इजी हैंडलिंग होती है, इजिली हैंडल कर सकते हैं, और क्योंकि ये लाइट होते हैं अदर मेटल से, प्लास्टिक को यूज करते हैं हम कार्स में, एयरक्राफ्ट में और स्पेस क्राफ्ट में, अगर वो हल्के होंगे तभी तो एयरक्राफ्ट वगैरह उड़ेंगी, इसलिए हम उसमें भी यूज करते हैं प्लास्टिक्स को। द लिस्ट इज एंडलेस when we start counting द आर्टिकल्स लाइक स्लीपर, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस एटसेट्रा, मतलब इतनी सारी चीजें प्लास्टिक से बनी हुई है। अब हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। प्लास्टिक जो है नॉन रिएक्टिव होता है, नॉन रिएक्टिव मतलब वो किसी भी मेटल के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करता। देखो, अगर वो नॉन रिएक्टिव है तभी तो हम उसका यूज करते हैं अपनी चीजें लाइक बनाने वगैरह में। हमें मान लो कोई केमिकल स्टोर करना है, हम प्लास्टिक में स्टोर कर सकते हैं क्योंकि ये जो है उस केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, यू नो मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर, आयरन के मटेरियल रस्ट पड़ जाता है उनके ऊपर, जंग पड़ जाता है। हमने क्लास 7 में इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था, चैप्टर 4 में, जब हम उन्हें मॉइस्चर और एयर में छोड़ देते हैं। पर जो प्लास्टिक होते हैं वो एयर और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, दे आर नॉट कोरोडेड इजिली, ये जो है इजिली कोरोडेड नहीं होते हैं, और यही रीजन है
कि उन्हें यूज करते हैं काफी सारे मटेरियल को स्टोर करने के लिए केमिकल्स इंक्लूड करते हुए। प्लास्टिक लाइट है, स्ट्रांग है, ड्यूरेबल है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। हम अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि जो पास्ट में बकेट यूज होती थी उसके बारे में, तो हमें पता चलेगा कि पास्ट में आयरन की बनी हुई बकेट्स यूज करती थी। व्हाई इज द मटेरियल ऑफ द बकेट्स और मग्स यू आर यूजिंग टुडे? और आज का मटेरियल है प्लास्टिक। पहले आयरन की होती थी और प्लास्टिक की होती थी। प्लास्टिक कंटेनर यूज करने की क्या एडवांटेज है? जो प्लास्टिक है वो बहुत ज्यादा लाइट होता है, स्ट्रांग होता है, टिकाऊ होता है, और हम उसे किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं किसी भी साइज का। और ये जो है काफी सारे पर्पसेस में यूज होता है, और प्लास्टिक जो है सस्ता होता है एज कम्पेयर टू अदर मटीरियल्स, और इन्हें हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में और हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने में। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स दैट यू यूज इन डेली लाइफ। तो आगे रीड करते हैं हम। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। प्लास्टिक पुअर कंडक्टर होते हैं। दे आर नॉट दे डोंट अलाउ टू हीट दे डोंट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। यू हैव लर्न दैट अबव प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो प्लास्टिक होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इसीलिए जो प्लास्टिक की वायर होती है उनपे कवरिंग होती है प्लास्टिक की। स्क्रू ड्राइवर के हैंडल जो होते हैं वो भी प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। As mentioned above, handles of frying pans are also made of plastic. Frying pan के handle भी plastic से बने होते हैं। Did you know? क्या आपको पता था? Plastic जो है वो काफी ज्यादा extensive use में आते हैं health care industry में। Health care industry में use होते हैं वो। क्यों? जैसे कि वो tablets को pack करने में काम आते हैं। Threads जो कि हम wounds को stitch करने में use होते हैं, they are also made from plastic. पैकेजिंग इज ऑल्सो मेड फ्रॉम प्लास्टिक। सिरिंज, डॉक्टर ग्लव, डॉक्टर के जो ग्लव होते हैं दे आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक, और काफी सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। और एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक होता है नेम्ड कुकवेयर, जो कि माइक्रोवेव ओवन में यूज होता है फॉर कुकिंग फूड। माइक्रोवेव जो ओवन होते हैं द हीट कुक फूड, उनमें जो हीट आती है वो खाना बना देती है, बट प्लास्टिक वेसल को अफेक्ट नहीं करती बिकॉज दैट इज पुअर प्रोडक्ट ऑफ हीट। टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। टेफ्लॉन एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक है जिसके ऊपर वाटर या फिर जो ऑयल है वो स्टिक नहीं करता, चिपकता नहीं है, और ये नॉन स्टिक कुकिंग बनाने में काम आता है। कुकवेयर पे जैसे आपने सुना होगा कि ये नॉन स्टिक पैन है, नॉन स्टिक कढ़ाई, तो उसमें जो है टेफ्लॉन यूज होता है उसकी कोटिंग के लिए। जो फायर प्रूफ प्लास्टिक, अब हम पढ़ते हैं फायर प्रूफ प्लास्टिक के बारे में। ऑल दो सिंथेटिक फाइबर कैच फायर इजीली, क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो इजीली फायर को कैच कर लेते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मिलामाइन प्लास्टिक टू मेक देम फ्लेम रेजिस्टेंट। और जो फायरमैन होते हैं उनकी ड्रेस पे मिलामाइन की कोटिंग होती है। मिलामाइन एक प्लास्टिक हमने ऊपर पढ़ा था उसके बारे में, उसकी कोटिंग होती है ताकि वो फ्लेम रेजिस्टेंट बन सके। आगे हम रीड करते हैं प्लास्टिक्स प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट के बारे में। ओके तो जैसे जब हम मार्केट वगैरह जाते हैं तब हम देखते हैं कि जो हम चीजें खरीदते हैं वो प्लास्टिक में पैक होती हैं, रैप की जाती हैं, या फिर पॉलिथीन बैग में हमें मिलती हैं। और ये एक रीजन है कि जो प्लास्टिक वेस्ट है वो कैसे हमारे घर में एक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। जो प्लास्टिक होता है ना, अल्टीमेटली प्लास्टिक अपना प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे टू द गार्बेज, गार्बेज में जाता है। जो डिस्पोजल है प्लास्टिक का वो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। क्यों? एक मटेरियल जो कि डिकम्पोज हो जाता है नेचुरल प्रोसेसेस से, सच एज द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, इसको बायोडिग्रेडेबल, उसे बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, हमें पता है। और जो कि इजीली डिकम्पोज नहीं होता नेचुरल प्रोसेस से, उसे हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब देखो ये हमें एक टेबल दी गई है कि कौन सा वेस्ट हम कितना टाइम लेता है डिकम्पोज होने में, तो इसे हम देखते हैं। टाइप ऑफ वेस्ट, अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन टू डेग्रेडेट, नेचर ऑफ मटेरियल। तो जो पील्स होते हैं, जो छिलके होते हैं वेजिटेबल के और फ्रूट्स के, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, बचा हुआ खाना होता है, उसे 1 से 2 हफ्ता लग जाता है डिकम्पोज होने में, जो कि होता है बायोडिग्रेडेबल। पेपर, पेपर को 10 से 30 दिन यानी लगभग 1 महीना लग जाता है, बायोडिग्रेडेबल है। कॉटन का बना हुआ जो कपड़ा होता है उसे 2 से 5 महीने लगते हैं, बायोडिग्रेडेबल है। वुड कितना टाइम लेती है? 10 से 15 साल वुड को लगता है, बायोडिग्रेडेबल है। अब जो वुलन के बने हुए कपड़े होते हैं
उसे एक साल लग जाता है डिकम्पोज होने में, बायोडिग्रेडेबल है। 10 एल्यूमिनियम और अदर मेटल कैन जो हमें कैन मिलते हैं सॉफ्ट ड्रिंक कैन वगैरह, 10 एल्यूमिनियम या फिर अदर मेटल कैन उन्हें लगते हैं 100 से 500 साल नॉन बायोडिग्रेडेबल। और प्लास्टिक बैग्स सेवरल ईयर्स नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो वो जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं एंड पोल्यूट आर एनवायरमेंट। जो प्लास्टिक है क्योंकि वो कई साल ले लेता है डिकम्पोज होने में, इट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है ये। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज करता है। इवन जो बर्निंग प्रोसेस होता है सिंथेटिक मटीरियल में ये बहुत ज्यादा स्लो होता है और ये उसे पूरा जलाता नहीं है। और इवन जब हम उसे जलाते हैं ना तो वो काफी सारे पॉइजनस फॉर्म्स रिलीज करता है, पॉइजनस गैसेस रिलीज करता है एटमोसफेयर में, जैसे कि एयर पॉल्यूशन होता है। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, दिस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम, रीड करते हैं आगे। Have you ever seen a garbage dump where animals, especially cows, are eating garbage? क्या आपने कभी देखा है cows वगैरह को एक garbage dump जहाँ पे animals जैसे कि cows खाते हैं garbage को? ये जो process होता है ना food waste खाने का, जब वो खाते हैं उस food के waste को, उसके अंदर काफी सारे plastic होते हैं जैसे कि polythene bag और food के wrapper, वो भी उन्हें खा जाते हैं। Can you imagine the consequences? मतलब सोचो वो जो है plastic को खा रहे हैं, plastic polythene वगैरह को खा रहे हैं। जो प्लास्टिक मटेरियल है ना वो उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को चॉक कर देता है या फिर उनके स्टमक में एक लाइनिंग क्रिएट करता है जो कि उनकी डेथ भी कॉज कर सकता है। जो पॉलीथिन बैग्स होते हैं, पॉली बैग्स होते हैं, वो इधर उधर हम फेंक देते हैं, हम लोग ह्यूमंस इधर उधर फेंक देते हैं जिससे कि ड्रेन्स क्लॉग हो जाते हैं, रुक जाते हैं। और कभी कभी तो हम इतने केयरलेस होते हैं कि उन रैपर्स को, जो चिप्स के रैपर होते हैं, बिस्किट होते हैं, अदर ईटेबल्स होते हैं, उन्हें हम रोड पर डाल देते हैं या फिर पार्क्स में या पिकनिक प्लेसेस पर डाल देते हैं। क्या हमें दो बार सोचना नहीं चाहिए ऐसा करते हुए? और हम क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन व्हाट मेजर्स डू यू सजेस्ट टू कीप योर प्लेसेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक? हम कैसे रख सकते हैं अपनी प्लेसेस को फ्री प्लास्टिक से, कैसे साफ रख सकते हैं? तो आगे हम उसी के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। मेजर्स, हमें प्लास्टिक का यूज अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, मेक द यूज ऑफ प्लास्टिक प्लास्टिक बैग्स, मेक द यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। हमें जो है प्लास्टिक का पहली बात तो यूज ही खत्म कर देना चाहिए। जब हम जाते हैं शॉपिंग पे तो हमें कॉटन या फिर जूट बैग्स देने चाहिए। जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है उन्हें अलग अलग रखना चाहिए। जैसे कि कई जगह पर आपने देखा होगा ब्लू और ग्रीन डस्टबिन यूज होते होंगे, इवन फॉरेन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में तो यही होता है, ब्लू डस्टबिन में नॉन बायोडिग्रेडेबल, ग्रीन में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और हम इसे अपने घर में कर सकते हैं। क्या आप कुछ वेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग ऑफ प्लास्टिक मटीरियल? प्लास्टिक मटीरियल को रिड्यूस करने के लिए क्या आप कुछ वेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं? सो यस, हमें जो है 4R का फॉर्मूला, 4R प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। हम आगे पढ़ने वाले हैं 4R के बारे में। ये देखो, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेम्बर द 4R प्रिंसिपल, हम इसी बारे में पढ़ने वाले हैं। सो वी शुड फॉलो दैट टू रिड्यूस प्लास्टिक। इट इज बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, हमें रिसाइकल करना चाहिए प्लास्टिक वेस्ट। जो थर्मो प्लास्टिक होते हैं ना उन्हें रिसाइकल किया जा सकता है। और हमें कुछ ऐसे प्लास्टिक की लिस्ट बनानी है जिसे हम रिसाइकल कर सकते हैं। इवन जो रिसाइकल हम करते हैं ना उसमें काफी सारे कलरिंग एजेंट डाले जाते हैं, दिस लिमिट द यूसेज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। ये जो है लिमिट कर देता है एजेंट्स स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। सो हमें जो है 4R प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवर, डेवलप हैबिट्स व्हिच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। अब ये 4R जो फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल होता है, इसे मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। ओके, हम पहले समझ लेते हैं रिसाइकल के बारे में या रिकवर, रिसाइकल और रिकवरी के बारे में पढ़ते हैं। रिसाइकल, हम चीजों को रिसाइकल कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं जो है गई एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लेकर आई मैं, ठीक है, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली। अब जो उसकी बॉटल थी, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, लाइक ये बॉटल है, मैं ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पे,
कि बड़ी अजीब बनी है, बट ठीक है काम चलाओ तो बन गई। ठीक है, ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल थी, मैं इसमें से कोल्ड ड्रिंक पी गई। और ये जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल थी, इसका मैंने क्या किया, मैंने ना इसे बीच में से काट दिया, मर्डर कर दिया इसका, मैंने इसे बीच में से काट दिया। हमें क्या ऑब्टेन हुआ, और हमने इसका ऊपर वाला जो पार्ट था ना उसे हमने हटा दिया और नीचे वाले पार्ट को ले लिया। तो नीचे वाला कुछ इस टाइप का पार्ट था, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने ना सुंदर सुंदर ऐसा फ्लावर्स लगा दिए, इसे एक फ्लावर पॉट बना दिया मैंने, ठीक है, ऐसे सुंदर सुंदर से फ्लावर्स लगा दिए। या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, इसके अंदर अपने पेंस रख सकती हूँ। मैंने इसे पेन होल्डर बना दिया, पेन पेंसिल वगैरह मैं इसमें रखने लग गई, ठीक है। एट ऑल मैंने इसे रिसाइकल कर लिया, किसी पुरानी चीज से, किसी यूजलेस चीज से एक नई यूजेबल चीज बना ली मैंने, दैट इज रिसाइकल, ठीक है। लेट्स स्टडी अबाउट रिकवर। अब देखो मेरे पास ना क्या था, एक फोन था, किस कलर का बना फोन, लाइट कलर, एक फोन है मेरे पास, अच्छा ही बनाइए, इसे वापस बना देती हूँ। तो यहाँ पे एक फोन बना देती हूँ मैं, आई नो बड़ा अजीब बन रहा है ये, कितना अजीब सा बन रहा है, मैं सुंदर बना के रहूंगी, जैसा ही बनाया ना काम चला लो। इस पेन से ना इसके ऊपर अच्छा बने ही नहीं पाता। और ये जो फोन था ना, इसके ऊपर लगा हुआ था एक कैमरा, ये क्या है, कैमरा। और ये जो कैमरा है ना, ये वर्किंग स्टेज में, ये कैमरा वर्क कर रहा है बट जो फोन है ना ये वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस कैमरा को ना निकाल लिया और कहीं और मैंने इस कैमरा का यूज किया, और फोन को मैंने थ्रू कर दिया क्योंकि ये वर्क नहीं करता था। तो इस कैमरा को मैंने कहीं और यूज कर लिया, किसी और जगह यूज किया मैंने, दैट इज रिकवर, ठीक है। आई होप अब आपको ये रिसाइकल और रिकवर दोनों क्लियर होंगे। अब मैं आपको समझाती हूँ, रिड्यूस और रियूज, रिड्यूस और रियूज, रियूज के ऊपर रिड्यूस डिपेंडेंट है, तो हम एक बार उसे समझ लेते हैं। तो समझते हैं आप रियूज और रिड्यूस के बारे में। तो क्या था ना, जैसे मैं गई एक दुकान पर, ओके, डे वन फर्स्ट डे मैं गई एक दुकान पे, मैंने शॉपकीपर को बोला कि भैया मुझे ना आप मिल्क दे दो, मिल्क के पैकेट दे दो। तो उन्होंने मुझे दे दिया और साथ में उन्होंने एक पॉलिथिन बैग में मुझे दे दिया, ठीक है। मैं उसे लेकर घर आ गई। अब उस पॉलिथिन बैग को ना मैंने थ्रो करने की जगह अपने पास संभाल के रख दिया, ठीक है। तो फर्स्ट डे क्या हुआ, I got a polythene bag, ठीक है, और I didn't throw that, I keep that safely with me, I kept that safely with me। और फिर next day, second day ना मैं shop पे गई, मुझे फिर से milk लेना था और साथ में और कुछ चीजें लेनी थी। तो मैंने उनसे एक नया plastic bag लेने की जगह है उसी plastic bag को वापस use किया। third day मैंने वही यूज किया, फोर्थ डे मैंने वही यूज किया, फिफ्थ डे जितने भी आगे जब भी मुझे यूज था मैंने उसी प्लास्टिक बैग को यूज किया इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दैट। सो दैट इज रीयूज, किसी चीज को वापस से यूज करना इज रीयूज, ठीक है। अब दूसरा एक क्या हो सकता था कि मैंने क्या किया, मैं उस प्लास्टिक बैग को घर लाई फर्स्ट डे और मैंने जो है उस प्लास्टिक बैग को थ्रो कर दिया, और नेक्स्ट डे मैं भैया के पास गई और मैंने बोला भैया एक और प्लास्टिक बैग दे दो, फिर थर्ड डे एक और। तो ऐसे क्या हुआ, प्लास्टिक की कंजप्शन इंक्रीज हुई, बड़ी प्लास्टिक की कंजप्शन। और ऐसा मैंने बहुत लोग बाकी करते हैं कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ, शॉपकीपर को आगे से और प्लास्टिक बैग्स मंगवाने पड़े, पॉलिथिन बैग्स उन्हें और मंगवाने पड़े, फिर आगे से और प्लास्टिक बैग बनने लगे। तो इससे एट ऑल क्या हुआ, प्लास्टिक की कंजप्शन इंक्रीज हुई, ज्यादा प्लास्टिक बैग्स यूज होने लगा। तो एट ऑल ये जो अब ये रियूज आई हूँ आपको समझ आ गया है, ये जो रिड्यूस होता है ना ये रियूज पे ही डिपेंडेंट है, डिपेंड्स ऑन
रीयूज, क्योंकि हम जब एक चीज को वापस से रीयूज करेंगे उसकी कंजप्शन कम होगी और वो चीज रिड्यूस होगी, कम होगी, है ना, डिक्रीजेस कंजप्शन ऑफ अ सब्सटेंस. ये जो है किसी भी सब्सटेंस की कंजप्शन को डिक्रीज कर देता है. सो इट वॉज रीयूज एंड रिड्यूस. एक और 5R प्रिंसिपल में एक और आ जाता है आपका, दैट इज Refuse. ये बुक में नहीं दिया हुआ बट जानने में क्या जाता है, वैसे भी अभी सारी चीजें डिटेल में जाननी चाहिए. Refuse क्या होता है? Say no to plastic. Say no to plastic. Plastic को यूज ही मत करो, मना कर दो. I don't want plastic bag. आप अपने साथ शॉप पे जब आप जा रहे हो तो आप प्लास्टिक लो ही मत. आप घर से ही जूट बैग, पेपर बैग, पॉलिथिन बैग, पॉलिथिन नहीं, कॉटन वगैरह के बैग आप अपने साथ ही ले जाओ, क्लोथ के बने हुए बैग, और प्लास्टिक को यूज ही मत करो. इंस्टेड हम अगर रिफ्यूज नहीं करना चाहते कि भाई हम मना ही क्यों करें, हम थोड़ा यूज कर लेंगे, तो वी कैन यूज द प्रिंसिपल ऑफ रीयूज एंड रिड्यूस. ओके, इंस्टेड ऑफ रिफ्यूज वी कैन यूज दीज बोथ. अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है फाइबर वाइज. डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड. प्लास्टिक बैग्स को वाटर बॉडीज में मत फेंको या फिर रोड पे मत फेंको. क्यों? क्योंकि अगर हम उन्हें रिवर वगैरह में डाल देंगे तो उसमें क्या, फिर क्या होगा, वाटर बॉडीज में डाल देंगे तो फिश उन्हें कंज्यूम करेगी, फिश खा लेगी प्लास्टिक बैग, उसके बाद फिर फिश को कौन खाएगा, हम खाते हैं फिश को, तो वो प्लास्टिक हमारी बॉडी में आ जाएगा, इवन इट कैन कॉज कैंसर. ओके, एक हमें कॉटन बैग लेना चाहिए या फिर जूट बैग जब हम शॉपिंग पे जाते हैं, और प्लास्टिक मटेरियल्स का यूज मिनिमाइज करना चाहिए, हमें स्टील बॉक्स का यूज करना चाहिए प्लास्टिक बॉक्स की जगह. ठीक है, तो हम इन सब मेजर्स का यूज कर सकते हैं प्लास्टिक को कम करने के लिए. एंड इट वॉज आवर टुडेज वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो. चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वीडियो नहीं दिखी तो जल्दी जाकर देखो. इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ताकि आप सभी के फ्रेंड्स वगैरह को भी ये चैप्टर 3 क्लियर हो सके. एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.